हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्रीमद् भगवद् गीता 14वां अध्याय, प्रकृति के तीन गुण। श्री भगवान उवाच। सब ज्ञानों में फाल्गुनी सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान, कर्ता में उस ज्ञान का तुझसे पुनः बखान। ज्ञान पाकर जिसकी ज्योत्सना हुए मुनि जन धनवान, परम सिद्धि का लाभ कर। सिर हो कर इस ज्ञान में जड़ता हो समान, दिव्य प्रकृति मुझसी मनुज कर सकता है प्राप्त, जड़ता हो समाप्त। इस प्रकार स्थिति माही स्थित होता स्थित प्रज्ञ जो, प्रकृति में उपजे नाही प्रलय काल अविचल रहे। भौतिक वस्तुओं का जन्म स्रोत हे भारत ब्रह्म कहता है, वह ऐसा स्रोत के हर प्राणी यहाँ जन्म उसी से पाता है। उस ब्रह्म को मैं गर्भस्थ करूँ, उस ब्रह्म का मैं ही उद्गम हूँ। मैं जीवों की चेतना शक्ति, मैं आत्म हूँ परमात्म हूँ। कुंती पुत्र समझ लो तुम, यह जीव योनियां जितनी हैं वे जन्म के द्वारा ही संभव, उन सब के जनक हैं जननी हैं। उन जनक जननियों का मैं जनक हूँ, मैं ही बीज प्रदाता हूँ, मैं सृष्टा हूँ, मैं पालक हूँ, मैं रचता और मिटाता हूँ। अर्जुन भौतिक प्रकृति के सतरज तम गुण तीन हो, इनके संसर्ग में जीवन के आधीन शाश्वत जीवाधी। निष्पाप सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध अधिक है, इसलिए है ये प्रकाश का दाता। ये गुण तो प्रकृति ही से सात्विक है, सारे मनुष्यों को पापों से, सारे मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाए प्रामाणिक है। इस गुण में स्थित सुख और ज्ञान के भाव में बंधना स्वाभाविक है, लोगों का सुख और ज्ञान के भाव में बंधना अर्जुन स्वाभाविक है। पुत्र रजोगुण उपजे कृष्णा से आकांक्षाओं से,
रजगुण के कारण तन धारी बंधा रहे इच्छायुत कर्मों से। भारत जानो तमो गुण को, भारत जानो तमो गुण को, वह मोह न छूटे जो जीवों से। इस गुण का अज्ञान जनक अज्ञानी अपरिचित सतपंथों से। इस गुण का अज्ञान जनक अज्ञानी अपरिचित सतपंथों से। इस गुण के प्रतिफल कहे निदालस्य प्रमाद, बद्ध जीव को जो रखें दृढ़ बंधन में। पुत्र सतगुण मानव को सुख से बांधे रखता है। कहा जिसे रजोगुण उसमें जीव नहीं कर्म सकाम से थकता है। थकता है तमोगुण शुद्ध ज्ञान पग पग सन्मार्ग भुलाता है। और जीव तमोगुण से प्रेरित पागलपन में बंध जाता है। यूं भी होता सतगुण पड़ जाता रजोतमो गुण पर भारी। दो को परास्त कर तीनों ही बनते प्रधान बारी बारी। इस भांति निरंतर तीनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जीत और हार की दीप शिखा तीनों में जलती रहती है। सतगुण की अभिव्यक्ति को अनुभव पूर्णतया तब कर पाते जब तन के सारे द्वार ज्ञान की ज्योति से जगमग हो जाते। जब वृद्धि रजोगुण में हो तब आसक्ति अत्यधिक जगती है। होते उद्यम वस काम कर्म अनियंत्रित इच्छा बढ़ती है। सभी लाल सा के प्रकट होते लक्षण स्पष्ट। जहां कामना लाल सा वहां कष्ट ही। बढ़ोतरी के साथ बढ़े अंधियारा, चेतना सोए जगे जड़ता, मानव उद्धांत सा हो बेचारा। ऐसी अवस्था में प्रगटे मोह, ऐसी अवस्था में प्रगटे मोह के मोह से ज्ञानी ध्यानी हारा। सतरज तम प्रेरित करे मन को तीनों गुण का प्रभाव है न्यारा। सतरज तम प्रेरित करे मन को तीनों गुण का प्रभाव है न्यारा। आयु किसी की हो यदि सतगुण मध्य समाप्त,
तो महर्षियों का करे उच्च लोक वह प्राप्त, उच्च लोक करे प्राप्त। रजोगुण मध्य प्राण जिसके प्रयाण कर जन्म वो सकाम कर्मियों के बीच पाए रे। कर्म सकाम का है ऐसा परिणाम कि जो रजोगुण संग जन्म रज में मिलाए रे। और तमोगुण की अवस्था में जो प्राण तजे परवश पराधीन पशु बन जाए रे। सत दे उजाल रज दुख देने वाला तम डाले तम बीच गति उत्तम छुड़ाए रे। पुण्य बीज बोने से उपजता है सत वृक्ष, सत वृक्ष वाला फल शुद्ध कहा जाता है। रजोगुण द्वारा कर्म होता है संपन्न जो परिणाम उसका बड़ा ही दुख दाता है। और तमोगुण द्वारा होता है जो कर्म वो तम में फिराता बस जड़ता बढ़ाता है। तमोगुण में जो रहे लिप्त अहर निशी वो तो परिहास उपहास ही कमाता है। सतगुण से उत्पन्न हो शुद्ध वास्तविक ज्ञान, जनक है रजगुण लोभ का लोभ पाप की खान, पापों मध्य प्रधान। तम गुण के सुत तीन मोह प्रमाद नर्तन रतन। ऊंचे लोकों को जाते हैं मानव क्रमशः सतगुण धारी, और रजोगुण प्रेरित मानव होते पृथ्वी लोक बिहारी। लिप्त तमोगुण में जो रहते, लिप्त तमोगुण में जो रहते वे हैं अधोगति के अधिकारी। तीनों गुण से चारों गति में फिरते हैं अविरत संसारी। तीनों गुण से चारों गति में फिरते हैं अविरत संसारी। हो जाता जब मनुज को भली भांति यह ज्ञान, तीनों गुण से प्रकृति के कार्य सभी गतिमान, रचते यही विधान। ऐसा ज्ञानी जो परमेश्वर की वास्तव में पहचान करे और ये भी जाने वह रहता इन तीन गुणों से सदा परे। दुविधा संशय भ्रम और भ्रांति जड़ से समाप्त कर लेता है वह पुण्यवान मेरे
स्वभाव को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। जब देहधारी जीव तन से संबद्ध तीनों गुण लांग जाने में समर्थ हो जाता है, जन्म जरा मृत्यु के असह्य जो है ताप मुक्ति उनसे पाने का पंथ तब ढूंढ पाता है। कर सकता है इसी जीवन में उसे प्राप्त भोगों में जो श्रेष्ठ भोग अमृत कहता है। अमृत के भोग हेतु चाहिए यथार्थ बोध और वह बोध मेरी कृपा से आता है। अर्जुन उवाच। हे नाथ सतरज तम गुणों से जो के रहता है परे, किस दृष्टि से किस ज्ञान से पहचान उसकी मन करे। वह प्रकृति के तीनों गुणों को कौन विधि से लांघता, मैं अल्पमति तुमसे उजाला इस विषय पर मांगता, मैं अल्पमति तुमसे उजाला इस विषय पर मांगता। जो प्रकाशवान पद पे हो कि विद्यमान, ईर्षा ना करे किसी से लालसा रखे नहीं, प्रस्तुत आसक्ति हो कि मोह उपस्थित हो उनके आने जाने पर चिंता करे नहीं। जो गुण समस्त उनसे दूर रह तटस्थ, दुर्बलता वश कोई कामना करे नहीं है, गुण ही क्रियाशील जान के ये तथ्य दिव्य, उदासीन पंथ से कभी फिरा करे नहीं। है जो मतिमान सुख दुख माने एक समान, माटी कंकर या पाषाण या फिर हो सोने की खान, सबके प्रति रखे समुद्रिष्टि उसके मन हो ज्ञान की वृष्टि, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल जो न रहे समरस तब, प्रशंसा माही गिर कभी जो हारे नाही, मान अपमान करे न प्रभाव सब में रखे समता भाव। शत्रु मित्र के संग जो रखे सम व्यवहार, जिसने भौतिक कार्य सब मन से दिए विसार, अडिग अडोल
अकंप वह अमित अनंत अजीत, पार्थ प्रकृति के गुणों से उसको जान अतीत। दोन परिस्थितियों का दास जिसमें भक्ति की पूर्ण सुवास, अचल अकलुषित जिसका चित केवल हरि में रहे प्रवृत्त। प्रकृति के गुण लांघे वो तुरंत, ब्रह्म स्तर तक जाए वो संत। निर्गुण निराकार जो आश्रय जगदीश, जो अविनाशी अमर है शाश्वत कालातीत, स्वाभाविक पद चरम सुख पावन परम प्र।